ओके, वील कंटिन्यू विथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो हमने एट फोल्ड पाथ कल किया था, दैट इज राइट बिलीफ, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट एस्पिरेशंस, राइट माइंडफुलनेस, राइट स्पीच, राइट एफर्ट, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड। तो ये एक अष्टांग मार्ग है जो बुद्धा ने बताया था अपने फॉलोअर्स को फॉलो करने के लिए। फिर बुद्धिज्म के ये तो अष्टांग मार्ग हो गया है। फिर बुद्धिज्म में तीन चीजें तुमको ध्यान में रखनी, पंचशील, अष्टांग मार्ग और त्रिरत्न। तो ये अष्टांग मार्ग हो गया, ये त्रिरत्न है बुद्ध धर्म के, यानी बुद्धिज्म के। तो वो क्या है, बुद्ध धम्म संघ, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, जो वो बोलते हैं। तो बुद्धम शरणम गच्छामि का क्या मीनिंग हुआ कि आप एनलाइटेंड बनो, यानी यू मस्ट सीक नॉलेज। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ये नहीं कि बुद्धा के डिसाइपल बनो, वो उसका मतलब वो नहीं है कि गौतम बुद्ध की शरण में जाओ। उसका मतलब ये है कि आप एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ो। यानी सिद्धार्थ, पहले बुद्धा का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, तो वाई ही वॉज कॉल्ड बुद्धा, बिकॉज ही बिकेम एनलाइटेंड। ठीक है, तो आप एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ो, और एनलाइटनमेंट कहाँ से आएगा, थ्रू राइट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्टडी, इन सब की वजह से। बेसिकली तुम्हारा आउटलुक रैशनल होना चाहिए, तुम सुपरस्टिशन में नहीं रहने चाहिए, तुम्हारी थिंकिंग इनवर्ड ओरिएंटेशन की नहीं रहनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेडनेस होना चाहिए। ये सारी चीजें बुद्धा का पार्ट होता। सो बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब द फुल्ली यू मस्ट गेट एनलाइटेंड। फिर धम्म, तो धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब ये, धम्म का मतलब ये है कि ये द टीचिंग्स, धम्म आर द टीचिंग्स एक्सपाउंडेड बाय द बुद्धा। तो अगर तुमको एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है, एनलाइटेंड बनना है, तो तुमको धम्म यानी बुद्धा की टीचिंग, जो गौतम बुद्ध ने जो बताया, उस मार्ग पे चलने से बस तुम उसकी तरफ जा सकते हो, एनलाइटनमेंट की तरफ, उसका मीनिंग ये है। और फिर संघ, संघम शरणम गच्छामि, उसका मतलब ये है, संघ मतलब वो मोनेस्टिक ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म दैट प्रैक्टिस धम्मास। तो संघ के रूल, संघ में तुमको रहना होगा। संघ यानी उनका जो आश्रम या जो भी जिसको बोलते हैं, तो उसको संघ बोलते हैं, जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं। तो तुमको संघ में जाके बुद्धा के मार्ग पे चल के, बुद्धा ने जो टीचिंग्स दिए उस पे चल के तुम एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ सकते हो, इसका मतलब ये हुआ। ये सो दीज आर द थ्री रत्नास, तुमको त्रिरत्न बोलते हैं बुद्धिज्म के। देन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, तो तीन टाइप के बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है मेन। वन इज विनय पीतिका, सुत्त पीतिका एंड अभिधम्म पीतिका। तो जैसे आई टोल्ड यू, एक इसमें वन डील्स विथ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बुद्धा। चलो वी विल डू इट ओनली। विनय पीतिका इज, इट मेनली डील्स विथ द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच द बुद्धा प्रोमल्गेटेड। इट डिस्क्राइब्स इन डिटेल द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द संघा। इट ऑल्सो गिव्स एन अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, सो विनय पीतिका इज मेनली बेस्ड ऑन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। देन सुत्त पीतिका, इट कंसिस्ट चीफली ऑफ द डिस्कोर्सेस डिलीवर्ड बाय बुद्धा हिमसेल्फ ऑन डिफरेंट ओकेजंस। डिस्कोर्सेस का मीनिंग क्या हुआ, दैट उन्होंने जो भाषण ही बोलेंगे उसको, उन्हें प्रवचन बोलते, प्रवचन। जो महापुरुष जब कुछ, देखो नेता भाषण देता है और साधु संत प्रवचन देते हैं। ओके, अब करते तो दोनों बातें ही है, एक पॉलिटिशियन भी बातें ही करता है, साधु संत भी बातें ही करते हैं, लेकिन उनको बोला अलग अलग जाता है। जब कोई पॉलिटिशियन बोलता है उसको स्पीच बोलते हैं, जब कोई महापुरुष साधु संत वही चीज बोलता है उसको डिस्कोर्स बोलते हैं, या उसको हिंदी में बोलेंगे प्रवचन। तो बुद्धा ने जितने प्रवचन खुद दिए वो सुत्त पीतिका में लिखे हुए। सो द फ्यू डिस्कोर्सेस डिलीवर्ड बाय सारिपुत्त, आनंद, देन मोगलन्ना एंड अदर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। नाउ ऑल दीज वर द क्लोजेस्ट डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा व्हेन ही वाज अलाइव। देन इट लेज डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। ओके, तो ये सारी चीजें लिखी है सुत्त पीतिका में। अभिधम्म पीतिका में क्या है, इट कंटेन्स द प्रोफाउंड फिलोसॉफी ऑफ बुद्धा टीचिंग। तो द
इसका फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है? बुद्धिज्म का फिलोसॉफिकल बेसिस जो है वो अभिधम्म पिटिका में है, ठीक है। जैसे हिंदुइज्म का फिलोसॉफिकल बेसिस गीता में है, उपनिषद में है ना। सो इट इन्वेस्टिगेट्स माइंड एंड मैटर टू हेल्प द अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स एज दे ट्रूली आर। नाउ द खंडकास दे कंटेन रेगुलेशंस ऑन द कोर्स ऑफ लाइफ इन द मोनेस्टिक ऑर्डर एंड हैव टू सेक्शंस, द महावग्ग एंड द कुलवग्ग। द थर्ड पार्टी द पवित्र इज एन इनसिग्निफिकेंट कंपोजिशन बाय द सिलोनीज मॉन्क। ओके, नाउ अमंग द नॉन कैनोनिकल लिटरेचर मिलिंद पन्हो, दीपवंश एंड महावंश आर इम्पॉर्टेंट। द लेटर टू आर द ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ सिलोन। सिलोन मतलब श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। अच्छा, ये जो मिलिंद पन्हो है ये मियांडर, ठीक है, मियांडर एक ग्रीक किंग था और वो इंडो बैक्ट्रियन एम्पायर का मालिक था। यानी व्हेन अलेक्जेंडर लेफ्ट इंडिया ही लेफ्ट हिज टेरिटरीज, ही लेफ्ट ऑल हिज टेरिटरीज विद थ्री जनरल्स, ठीक है। तो जो इंडिया का पार्ट था, यानी जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो पार्ट उनके ऑक्यूपेशन में था, ग्रीक ऑक्यूपेशन में, सो दैट वॉज दैट लेटर ऑन केम टू बी नोन एज द बैक्ट्रियन एम्पायर। और वहाँ का एक किंग था मियांडर, उसको मिलिंद बोलते। तो मियांडर ऑल्सो दो ही वॉज अ ग्रीक, और तब क्रिश्चियनिटी वगैरह आई नहीं थी, क्योंकि हम बीसी की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट। सो देर इज नॉट अ वेरी और दे डिड नॉट फॉलो सम एनी प्रॉपर रिलीजन एट दैट टाइम। सो मिलिंद मियांडर केम इन कॉन्टैक्ट विद अ बुद्धिस्ट मॉन्क बाय द नेम नागार्जुन, ठीक है। तो नागार्जुन और नागसेन, कई बुक्स में नागसेन भी लिखा होता है। एंड ही ऑल्सो केम इन कॉन्टैक्ट विद सम वैदिक पंडित्स। नाउ ही बेसिकली कॉल्ड अ मीटिंग और उसमें ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस एंड बेसिकली ऑल वर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस उस असेंबली में। तो नागसेन जो था ही प्रिवेल्ड ओवर ऑल द अदर dignitaries who had attended that, and he was eventually in a position to answer all the questions raised by Meander. Aur wo Meander aur Nagsen ya Nagarjun ke beech ki jo vart ka jo vartalap hai, question answer session, that has been codified in a book that is known as Milind Parho, theek hai. So that is a conversation. Aur ye jo Deepavamsa aur Mahavamsa hai, ये भी एक बुद्ध, दो इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और ये श्रीलंका से है। सो दीज आर द थ्री बास्केट्स ऑफ बुद्धिज्म, विनय पीतिका, सुप्त पीतिका एंड अभिधम्म पीतिका। सो विनय पीतिका में क्या होता है, इट इज कॉल्ड द डिसिप्लिन बास्केट, ठीक है। सो द फर्स्ट बास्केट ऑफ द विनय पीतिका एक्सप्लेन्स एंड एनालाइजेस द रूल्स सेट फोर्थ फॉर द मॉन्क्स। सो इसमें तुमको इसको शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, रूल्स, विनय पीतिका इज रूल्स, सुत्त पीतिका इज द डिस्कोर्सेस एंड अभिधम्म पीतिका इज द फिलोसॉफी, बस इतना ध्यान में रखना। सो द फर्स्ट बास्केट द विनय पीतिका एक्सप्लेन्स एंड एनालाइजेस द रूल्स सेट फोर्थ फॉर द मॉन्क्स एंड नंस टू फॉलो द मोनेस्टिक लाइफ। The several hundred regulations are concerned with basic morality but include details on robe making, monk and nun interaction and other essentials for successful life in the sangha. Then next is the Sutta Pitika. So the second basket, the Sutta Pitika, is similar to the transcription of the conversation between the Buddha and the monks and the nuns, the Buddha's sermons and verbal discourses and teachings. Then additional information about suttas or sutras are discussed under those titles. Then Abhidhamma Pitika is philosophy basket. So the third basket, the Abhidhamma Pitika, which means further or special teachings, is a systematic philosophical and sometimes scientific description of the nature of mind, matter and time. Okay. So it is basically the time also that Buddha discussed. Or wahi cheez Einstein ne थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में साइंटिफिक वे में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ प्रेजेंट की। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी वाज नॉट न्यू टू इंडिया।
देन देर आर सम सेक्रेट श्राइन्स, जो बुद्धिज्म के सेक्रेट श्राइन्स है, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, ये तो सारी चीजें उससे, उस बुद्ध के मेन चार चीजों से एसोसिएटेड है। लुम्बिनी बर्थ प्लेस हो गया, बोध गया में क्या हुआ था, एनलाइटनमेंट मिला था पहली बार, यानी पहली बार सिद्धार्थ जो था, सिद्धार्थ गौतम बिकेम बुद्धा एट बोध गया, ठीक है। देन सारनाथ वॉज द प्लेस, सारनाथ इज अ प्लेस नियर वाराणसी, वहां पर ही गॉट ही गेव डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन, यानी पहला जो प्रवचन बुद्धा ने दिया आफ्टर एनलाइटनमेंट वो सारनाथ में दिया। और फिर कुशीनगर, कुशीनगर में ही, कुशीनगर इज एसोसिएटेड विद हिज डेथ। सो दीज आर द फोर प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ, नेमली बर्थ, एनलाइटनमेंट, फर्स्ट सर्मन एंड द महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब डेथ। नाउ टू दीज आर एडेड फोर मोर प्लेसेस, श्रवस्ती, राजगृह, वैशाली एंड संकस्य, ठीक है। सो दीज एट प्लेसेस हैव ऑल अलोंग बीन कंसिडर्ड एज राइट एज एट होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म। तो अष्ट महास्थानाज इनको बोलते हैं, और द ट्रेन आई वॉज टेलिंग यू IRCTC की, वो इन सब जगहों पे घुमा के लेके आती है, उसका एक पूरा पैकेज टूर ही होता है। नाउ अदर सेंटर्स ऑफ बुद्धिज्म आर इन एंशियंट इंडिया आर अमरावती, नागार्जुन कुंडा। अमरावती जो है ये महाराष्ट्र का नहीं है, ये इधर का आंध्र प्रदेश, नागार्जुन कुंडा ऑल्सो आंध्र प्रदेश। देन सांची एंड भारूत इन MP, अजंता एलोरा इन UP, नहीं अजंता एलोरा तो इधर है महाराष्ट्र में। देन जगदलपुर और सोमापुरी इन वेस्ट बंगाल, ये सारी कुछ फेमस बुद्धिस्ट साइट्स है इंडिया में। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर डेवलप्ड एसेंशियली इन थ्री फॉर्म्स, वन इज द स्तूप, चैत्य एंड विहार, ठीक है। सो स्तूपा इज द रेलिक्स ऑफ बुद्धा आर सम और सम प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर प्रिजर्व्ड एट ऑल द स्तूपास। जैसे यहाँ पर एक नागपुर के पास, भोपाल के पास एक, नागपुर और भोपाल के बीच में एक जगह आती है सांची करके, वहाँ पे फेमस स्तूप है, तो बुद्धा के रेलिक्स वहाँ पर होंगे। आफ्टर ही वाज क्रीमेटेड, एक्चुअली हिज एशेज वर टेकन टू अदर प्लेसेस, एंड जहाँ जहाँ वो रखी गई वहाँ पे एक स्तूप बनाया गया। देन चैत्य मतलब प्रेयर हॉल होता है, और विहार मतलब रेसिडेंस, मॉन्क्स का रेसिडेंस होता है। सो बोथ दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड इन प्रीलिम्स 2-3 years बैक रिगार्डिंग दिस चैत्य विहार एंड स्तूप। ओके, सो दिस इज हाउ अ स्तूप लुक्स लाइक। दिस इज द सांची स्तूप। और नागपुर में जो दीक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि इज अ प्लेस वेयर अम्बेडकर कन्वर्टेड मोस्ट ऑफ द मेनी दलित्स इनटू बुद्धिज्म, because he had taken a vow that though I was born in Hindu religion, I won't die in it. और वहाँ पोस्ट वो जो दीक्षा भूमि का जो वो स्ट्रक्चर है वहाँ, वो भी एग्जैक्टली इसी की रेप्लिका में बनाया। Okay, then this is the चैत्य। ये ऐसे हॉल्स होते हैं जहाँ पर, this is चैत्य at कार्ले, जहाँ पर तुमको जहाँ मॉन्क्स बैठ के मेडिटेट करते हैं, ये उसका रूफ टॉप है। दिस इज बामियान बुद्धा, ये अफगानिस्तान में था, ये इट्स वेरी टॉल, यानी अगर आई जस्ट गिव यू अ हिंट कि हाउ टॉल इट इज, अगर ह्यूमन हाइट जो है वो इतनी है इसमें, इतनी बस इतनी। सो दिस इज ह्यूज, और ये वो तालिबान के टाइम पे उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो दिस ह्यूज एंशियंट क्या बोलेंगे उसको, एक हेरिटेज था जो खत्म हो गया, उसको कैनन्स लगा के उड़ा दिया पूरा। नाउ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बुद्धिज्म। तो अश्व घोषा ये क्या है, द कंटेम्पररी ऑफ कनिष्का, ही वॉज अ पोएट, ड्रामेटिस्ट, म्यूजिशियन, स्कॉलर एंड डिबेटर, ठीक है, जिसने बुद्धिस्ट लिटरेचर में काफी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। देन नागार्जुन, ही वॉज अ फ्रेंड एंड कंटेम्प्ररी ऑफ सत्वाना किंग, यजनश्री, गौतमी पुत्र ऑफ आंध्रा। ही प्रपाउंडेड द मध्यमिका स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, पॉपुलरली नोन एज शून्यवाद। ये दूसरा नागार्जुन है,
यानी ये सत्वानास के टाइम का नागार्जुन है। जो मिलिंद पन्हो वाला नागार्जुन है वो अलग है, जिसके हमने अभी बात की। देन असंग एंड वासुबंधु, टू ब्रदर्स हु फ्लरिश्ड इन पंजाब रीजन इन 4th century AD। असंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर ऑफ द योगाचारा और विद्यावंदा स्कूल फाउंडेड बाय हिज गुरु मैत्रेयनाथ। देन वासुबंधु, वासुबंधुज ग्रेटेस्ट वर्क ये है अभिधर्म कोशा, इज स्टिल कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। देन बुद्ध घोष, हु लिव्ड इन द 5th century AD, वॉज अ ग्रेट पाली स्कॉलर। द कमेंट्रीज एंड द विसु धीमग रिटर्न बाय हिम आर ग्रेट अचीवमेंट्स इन द पास्ट त्रिपिटिका लिटरेचर। देन दिनागा, ये सब बुद्धा से एसोसिएटेड स्कॉलर्स हैं। द लास्ट माइटी इंटेलेक्चुअल ऑफ द 5th century इज वेल नोन एज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिस्ट लॉजिक। देन धर्मकीर्ति, लिव्ड इन 17th century AD, वॉज अनदर ग्रेट बुद्धिस्ट लॉजिशियन। ही वॉज अ सटल फिलोसॉफिकल थिंकर एंड डायलेक्टिशियन। नाउ टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म, हीनयान और महायान। तो बुद्धिस्ट, ये जो हीनयान और महायान बुद्धिज्म है, ये 4th Buddhist Council में बेसिकली कॉन्सेप्ट आया। बुद्धिज्म गॉट स्प्लिट इनटू हीनयान एंड महायान। तो जो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया और बाकी भी थाईलैंड बर्मा और इन सब में जो बुद्धिज्म फॉलो होता है वो महायान ही होता है। हीनयान जो है, हीनयान इज बेसिकली द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती और उसमें मटेरियल कल्चर पे कोई एम्फेसिस नहीं होता। सो दैट वॉज फॉलोड ओनली इन सम पार्ट्स ऑफ तिब्बत, बट बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द बुद्धिज्म इज महायान। और फिर उसमें वही सब चीजें आ गई जो बुद्धा ने बेसिकली जिसके लिए मना किया था, दैट इज आइडल वर्शिप। बुद्धा की खुद की आइडल बना के उसकी वर्शिप होती है, उसी के टेम्पल से, ठीक है। सो हीनयान बुद्धिज्म क्या है? इट्स फॉलोअर्स बिलीव इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। सो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। देन दे सॉट द इंडिविजुअल सेल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। देन हीनयान लाइक जैनिज्म इज अ रिलीजन विदाउट गॉड, ठीक है। तो हीनयान इसके हिसाब से भगवान नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। बेसिकली दोनों जो रिलीजन है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दे बोथ डू नॉट बिलीव इन गॉड। गॉड नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे बाकी रिलीजन में, हर रिलीजन में गॉड का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, सो अब जैसे पहले रिलीजन की एक डेफिनेशन, कई लोग बोलते थे कि रिलीजन इज समथिंग फॉलोइंग ऑफ गॉड, बट देर आर मेनी ऑर्गेनाइज रिलीजन इन द वर्ल्ड हु डू नॉट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो उसमें से एक बुद्धिज्म और जैनिज्म है, ठीक है। तो जैसे इस्लाम में अल्लाह है, क्रिश्चियनिटी में गॉड ही है, और इधर हिंदू धर्म में तो ढेर सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, ठीक है। फिर सिखिज्म में भी रब और उसकी जो कल्पना है वो बेसिकली गॉड ही है। तो हर रिलीजन में यूजुअली गॉड की कल्पना होती है, लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म में नहीं होती। लेकिन अब वो एक अलग बात है कि इनके फॉलोअर्स ने ओवर द ईयर्स, ओवर द सेंचुरीज, ओवर द पास्ट 1000-2500 ईयर्स, इन्हीं को गॉड बना दिया, मतलब इन्हीं को गॉड के रूप में देखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जैसे क्रिश्चियनिटी में भी जीसस गॉड नहीं है, जीसस गॉड नहीं है ना, जीसस इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। लेकिन हर चर्च में जीसस की तो, क्राइस्ट का ही तो सब कुछ रहता है, फोटो से लेके तो वो क्रॉस और एवरीथिंग। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि गॉड जो एंटिटी है वो तो इमेजिनरी है, उससे ह्यूमन बींग्स रिलेट कैसे करेंगे? दैट हैज टू बी थ्रू सम आइडल। तो उसके लिए एक जरिया होना जरूरी है, तो इसीलिए मूर्तियां बीच में आती है, नहीं तो फिर हाउ विल यू आइडेंटिफाई, व्हाट विल यू विजुअलाइज, व्हाट विल यू इमेजिन। ओके, सो इसीलिए मूर्तियां आती है बीच में। बट नेवरदलेस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में शुरू से ही गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इनके फॉलोअर्स ने इन्हीं को गॉड मान के उसकी कल्पना और उससे एसोसिएटेड रिचुअल्स, पूजा पाठ जो भी है वो शुरू कर दिया। नाउ निर्वाण इज रिगार्डेड एज द एक्सटिंक्शन ऑफ ऑल। द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ हीनयान बुद्धिज्म इज द थवीरवाद, ठीक है, और इसको थेरावाद इन बोलते पाली में, और द डॉक्ट्रिन ऑफ द एल्डर्स।
Now its Sanskrit counterpart, which is more philosophical, is known as the Sarvastivad, or the doctrine which maintains the existence of all things, physical as well as mental. Now gradually from Sarvastivad to Vaibhasika branched off another school called Sautantrika, which was more critical in outlook. Okay, so these are some various schools of Buddhism, sub schools you can say. Main schools are two, Hinayana and Mahayana, aur baad mein ek Vajrayana bhi aaya 6th 7th century AD mein, jisme sab jhaad phook black magic aur ye sab bhi aa gaya. To wo to pura hi corrupted form of Buddhism tha. Then Mahayana, so its followers believed in the heavenliness of Buddha and sought the salvation of all through the grace and help of Buddha and Bodhisattvas. Now it believes in idol worship. ठीक है, तो इन्होंने पहली बात तो इसको heavenliness of Buddha का मतलब क्या हुआ कि उसमें उसको attributes दे दिए, यानी बुद्धा को attributes दे दिए that he has a god. जैसे Hinduism में जो gods and goddesses है, they have been given various attributes. ठीक है, तो वैसे बुद्धा को दे दिया और उसको हेवनलीनेस से एसोसिएट कर दिया. सो और फिर आइडल बना के पूजा भी की करती है. मतलब मोस्ट ऑफ द बुद्धिज्म इज दिस वे ओनली ऑल ओवर द वर्ल्ड. हीनयान जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है वो बहुत कम प्रैक्टिस होता है. देन बिलीव दैट निर्वाणा इज नॉट अ नेगेटिव सेसेशन और ऑफ मिजरी बट अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ ब्लिस. ठीक है, तो इनका एक निर्वाण से भी एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो मोक्ष प्राप्ति का नहीं है. दैट मीन्स नॉट कमिंग आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बट बेसिकली टू हैव अ वेरी सैटिस्फाइड एंड ब्लिसफुल जॉयस एंड प्लेजरेबल लाइफ. देन महायाना हैड टू चीफ फिलोसॉफिकल स्कूल्स, द मध्यमिका एंड द योगाचारा. अभी मध्यमिका स्कूल के बारे में हमने किया, मध्यमिका और योगाचारा के जो एक्सपाउंडर्स थे वो ये थे. कौन थे इसमें से? ये देखो, मध्यमिका का नागार्जुन था और योगाचारा का इसमें लिखा, योगाचारक वाले का नाम लिखा नहीं है शायद. चलो एनीवेज, तो महायान का जो फर्दर ये था ना, नाउ दिस नागार्जुन एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सत्वाहनास. ठीक है, असंगा. ओके, हाँ योगाचारा, राइट. इसको हम हाईलाइट ही कर लेते हैं. ओके, नाउ द फॉर्मर टुक अ लाइन मिडवे बिटवीन द अनकॉम्प्रोमाइजिंग रियलिज्म ऑफ हीनयानिज्म एंड द आइडियलिज्म ऑफ योगाचारा. द योगाचारा स्कूल फाउंडेड बाय द मैत्रियानंद मैत्रियनाथा कंप्लीटली रिजेक्टेड द रियलिज्म ऑफ हीनयान एंड मेंटेन्ड एब्सोल्यूट आइडियलिज्म. अब ये रियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है, ये सब इसके ये बहुत डीप फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशंस हो गए, उसके उसमें तुमको जाने की जरूरत नहीं. तुम जैसा है उतना ही ध्यान में रखो. बेसिकली यू शुड नॉट फॉरगेट दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज. यू हैव टू नो सम बेसिक थिंग्स अबाउट एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ऐसे तो अपने आप में इतनी डीप फिलोसॉफीज, इतना डीप है. अब वेद है, हमने ऋग्वेद किया, लेटर यजुर्वेद, ये सब, तो उनके बारे में तुमको डिटेल में थोड़ी ना जानना है. बस तुमको जानना है वो बेसिकली क्या है. That's it. Then Vajrayan, now its followers believed that salvation could be best attained by acquiring the magical powers, which they called Vajra. Now the chief divinities of these new sects were the Taras,
नाउ इट बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलरली बंगाल एंड बिहार. तो ये तो बहुत बाद में आया. अब फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो कनिष्क ने बुद्धिस्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी उसमें ये बुद्धिज्म स्प्लिट हुआ हीनयान और महायान में, और फिर उसका ये वाला वर्जन बाद में आया, सेवेंथ सेंचुरी, सिक्स टू और सेवेंथ सेंचुरी एडी में आया. ओके, नाउ सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बुद्धिज्म. द बुद्धा एक्सटेंडेड द टीचिंग्स ऑफ टू एल्डर कंटेम्पररीज अलारा कलामा एंड उदलका. अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म देयर इज नो सेल्फ, नो गॉड, नो सोल एंड नो स्पिरिट. ओके, तो ये जो आत्मा परमात्मा और ये सारा जो है, ये सारा कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में है ही नहीं. बुद्धिज्म क्या बोलता है कि तुम एक अच्छा जीवन जीना, जीने के लिए तुमको क्या करना चाहिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए. तो अच्छा जीवन जीने के लिए तो अष्टांग मार्ग दे दिया, फिर एक लाइफ को प्रॉपर वे में करने के लिए पंचशील दिया, उसके पांच शील है बुद्धिज्म के, एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, एब्सटेन फ्रॉम, ऐसे उसके पांच शील, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट, आएंगे अभी आगे. सो ये जो भी चीज है वो पांच शील तुमको फॉलो करने हैं, अष्टांग मार्ग पे चलना है, और तुमको फाइनली अगर बुद्ध बनना है यानी एनलाइटन बनना है तो तुमको मेडिटेशन और उसके थ्रू यानी संघ में आके धम्म को मानते पालते हुए तुमको बुद्ध बनना है. तो ये एक क्लियर बुद्धिज्म का मैसेज है. उसमें कोई गॉड नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं, कुछ नहीं. ठीक है, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. नाउ देयर इज वेरी वेरी लिटिल टेक्नोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन इन्वॉल्व इन बुद्धिज्म. देन बुद्धिज्म इज साइंटिफिक इन अप्रोच, अ सर्च फॉर कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप्स एंड नॉलेज ऑफ रियलिटी as each individual human being experiences it. So this entire science is based on what? This simple thing, that is cause and effect. तो ये हो रहा है, ये करेंगे तो क्या होगा, ये होगा, या ये हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है. It is like that. Science, पूरी scientific inquiry ही तो cause and effect के around revolve करती है. And Buddha talked about this cause and effect thing 2500 years back. But of course, not through mathematical calculation, but through spiritual through the spiritual path. Now it is psychological in approach, that is it begins with human being. Now Buddha ne bola tha, if even were not admitted to the monasteries, Buddhism would have continued for 1000 years, but because of this admission has been granted, it would last only 500 years. So basically women ko admit karne ka matlab not as saints, women, I told you that when the Vihars started getting enormous grants, they started keeping women, not as nuns, but for their own pleasure. So women came in, then alcohol came in, then non-veg came in, everything. So all those things that Buddha basically rejected in the sense, basically did not allow, were taken in the Vihars. And this is how it started getting less popular. And this is how eventually it faded out. And by that time, Brahminical religion also resurrected itself. Okay, now contribution of Buddhism. Now the doctrine of Ahimsa, which is so strongly stressed, is devoutly preached and sincerely practiced by Buddhists and was incorporated in Hinduism of later days. ठीक है, तो ये जो Ahimsa का doctrine है, यही तो बाद में आ गया ना कि Ahimsa Parmo Dharma. ये हिंदुइज्म में बुद्धिज्म से आया यानी, और जिस जैसे कैटल सैक्रिफाइस जो बहुत इनडिस्क्रिमिनेटली होती थी उसको, उस मतलब कैटल इटसेल्फ बिकेम अ गॉड, सो नो वन वुड नाउ हार्म इट. नाउ द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग पर्सनल गॉड्स, मेकिंग देयर इमेजेस एंड इरेक्टिंग टेम्पल्स इन द ऑनर बिकेम अ पार्ट ऑफ द लेटर डे हिंदुइज्म. ठीक है, तो ये जैसे इमेज बनाना, टेम्पल बनाना, इमेज बनाना, मूर्ति बनाना और उसको किसी जगह पर रखना जिसको मंदिर बोलेंगे, तो ये भी जो कॉन्सेप्ट है, मंदिर का भी जो कॉन्सेप्ट है, ये हिंदुइज्म में बुद्धिज्म से आया. वरना ओरिजिनल हिंदुइज्म में मूर्ति पूजा और मंदिर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ऋग्वेदिक एज में क्या होता था, हमने अभी सब देखा, देयर वर ओनली सैक्रिफाइशियल रिचुअल्स, दैट इज दे ऑल वर परफॉर्म्ड अराउंड अ यज्ञ. नाउ बुद्धिज्म प्रूव टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजिंग फोर्सेस व्हिच इंडिया गेव टू द neighboring countries. Now Buddhism broke the isolation of India and helped in establishment of intimate contacts
between India and foreign countries. Okay. Now we come to Jainism.